प्रधानमंत्री मूर्ख हैं उनके, मैं तो कहूंगा कि अगर नेपाली प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, सिकाए में ही दे रहे हैं। आराम में हुनुहुन्छ गाइज, आज को भिडियो में म इंडियन मीडिया माथि रिएक्शन भिडियो बना जु है उनीहरु चाहिँ नेपालीहरुको लागि एकदम ह्यापेर बोलिरहेका छन्। मलाई लाग्छ यसको उनीहरुलाई चाहिँ जवाफ दिनै पर्छ। त्यसै कारणले आजको भिडियो चाहिँ मेरो हिन्दीमै रहनेछ होइन। म उनीहरुको चाहिँ हरेक क्वेसनको चाहिँ हरेक सवालको हरेक कुराको चाहिँ म जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। आशा छ भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्नेछ। पहिला भिडियो हेर्नु। चाइनाको लगा कि यो त भारत नै बोल दिया तो करके रहेंगे, क्योंकि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, जो वो नहीं कर सकते उसको नहीं बोलते। अच्छा, मोदी जो बोलता है वो करता है। पहले ये बता, तूने ये इंटरव्यू के लिए कितने पैसे लिए है, और फिर मैं तेरे को बताऊंगा तेरा मोदी क्या है और वो कैसे काम करता है, उसका सच्चाई मैं तेरे सामने लेके आऊंगा। पहले ये वीडियो देख ले। नेपाल से पेट्रोल डीजल ले आते हैं क्योंकि वहाँ सस्ता इतना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पानी है, यहाँ पानी नहीं है। देखा वीडियो? अरे ये वीडियो में जो शोर मचा रहा है ना, वो कोई नेपाली पाकिस्तानी या चाइनीज लोग नहीं है, तेरे इंडियन लोग है। इसलिए तेरा मोदी का सच्चाई क्या है वो सबको पता है, इसलिए ज़्यादा भोक मत, ठीक है ना? मैं तो कई बार नेपाल गया हूँ, वहाँ क्या है, ज़्यादातर जो नेता हैं उनको ऐशो आराम के लिए पैसा देता है चाइना, मौज मस्ती कराने के लिए, एक तरह से कहीं खरीदे हुए हैं। हमारा नेता को चाइना मौज मस्ती के लिए पैसा देता है? अच्छा, अरे तेरे को कैसे पता है? तेरे को पूछ के देता है क्या? अरे भाई, मैं नेपाल का नेता लोग को पैसा दे रहा हूँ मौज मस्ती के लिए, इतना दे रहा हूँ उतना दे रहा हूँ, तेरे को बता के देता है क्या? इतना भोक रहा है, ऊपर वालों ने मुंह दिया तो बेफालतू में कुछ भी बक देगा क्या? पैसे में बिकने के लिए हम इंडियन मीडिया और तेरा जैसा लोग थोड़ी नहीं हम लोग। और एक बात कान खोल के सुन ले, किसी के पास इतना धन नहीं है कि जो हमारा स्वाभिमान को खरीद सके, ठीक है ना? हमने आज तक किसी के भी साथ अपने देश को अपने स्वाभिमान को लेकर समझौता नहीं किया। इतिहास खोल के पढ़ ले जरा और देख ले, तेरे को समझ में आएगा। तुम्हारा इंडिया अभी तक कितने देश और कितने लोग से समझौता किया है, और तुमने कितने लोगों का गुलाम बन चुके हो, कभी मुगल कभी अंग्रेज पता नहीं क्या क्या, लेकिन अभी तक पता है नेपाल किसी का भी गुलामी नहीं किया और किसी का गुलाम नहीं हुआ, स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। नहीं तो चाइना का गुलाम बनेगा, नहीं तो इंडिया का। ये बात कान खोल के सुन लेना। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, ये केवल प्रधानमंत्री का ओली का स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे पहले पूरी तैयारी की गई। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा भाई, ये बात तो, ये स्टेटमेंट सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, 3 करोड़ नेपाली का है, ठीक है ना? इसलिए अभी तो हमने जरा सा ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में इतना हिल गए इंडिया, इसलिए अभी सुधर जाओ और हमारा जमीन से वापस लौट जाओ, इज्जत के साथ बोल रहे अभी भी। नहीं तो जब हम पूरा पिक्चर देखेंगे ना, तुम लोग वो देखने के लायक नहीं बच पाओगी, ठीक है ना? खरानी बन जाएगा तुम्हारा इंडिया, इसलिए हमारा खून को उमालो मत, ठीक है ना? टाइम रहते सुधर जाओ और अपने गलती को स्वीकारो और पीछे हट जाओ। 50 लाख नेपाल का लोग भारत में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई होटल पे काम कर रहे होंगे, कोई कोठी में होंगे। अच्छा, तो और तेरा इंडियन लोग भी नेपाल में आके क्या क्या काम करता है पता है? कोई बिजनेसमैन भी है, कोई टॉयलेट क्लीनर है, और कोई रोड में कूड़ा उठाता है, कोई पानीपुरी बेचता है, सब कुछ करते है। अरे साले, तेरा सोच कितना घटिया है, तेरे को इतना भी पता नहीं है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। कैसा आदमी है बे तू, तेरा दिमाग में गोबर भरा है क्या, इस तरह के बात कर रहा है? के लोग जो रहते हैं मधेसी नेपाल में, वो लगभग संख्या 6 लाख है, उनकी कोशिश है कि नेपाली लोग। क्या 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 बोला बे, मधेसी लोग को इंडियन बोला? ये किसने कहा तेरे को? जब मधेसी लोग ये सुनेंगे ना, तेरे को तेरे घर पे आके घर पे थूक कर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे साले। इसलिए बोलने से पहले जरा सोच के बोल लिया कर। बताऊँ मधेसी कौन है, पहले ये वीडियो देख, फिर बता दूँ तेरे को मधेसी कौन है, ठीक है ना? काला पानी अमर बार नेपाल के भूमि है। अगर मोदी तो मार के दूध पिलावा तो अपना मतलब सेना के पठाएगा। देख अगर जो मतलब की हमारा नेपाल मतलब की सेना में कितना दम बा, अगर नेपाल से टकराएगा जरा चुक्का मोदी। अगर
अब भी बोलेगा मधेसी इंडियन है, अबे पालतू मधेसी लोग नेपाल माँ की सच्चा धरती पुत्र है। मधेसी लोग नेपाली थे और नेपाली है और नेपाली रहेंगे, और वो लोग नेपाल को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जब पड़ेगा तो वो लोग जान भी दे देंगे देश के लिए, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मधेसी को इंडियन बोल के उनका अपमान मत करना। कुछ दिन पहले जब नेपाल में भूकंप आया था तो हमारे यहाँ से काफी ज्यादा मदद की गई थी वहाँ पे, और अभी भी जब करोड़ों वायरस है, सारी दुनिया भर इससे परेशान है, 23 टन दवाइयाँ भेजी गई है नेपाल में। अबे यार तुम इंडियन लोगों की सोच कितना घटिया है बे, जब दिक्कत में मदद करते हो तो उसका भी क्रेडिट खोजते हो, ये कौन सा मदद है बे? छी तुम्हारा मदद से तो हम लोग को घिन आता है साला। अरे जो दवाई दवाई बोल रहे हैं ना, ये तुम लोग ने फोकट में भेजा है क्या? इतना शान से बोल रहे हो साला, तुम लोग व्यापारी हो और हम लोग कस्टमर है, हमने जो दवाई लेके आया है ना वो सब खरीद के लेके आया है, फोकट में लेके नहीं आया है। ऊपर से सामान बेच रहे हो, ऊपर से फिर बोल रहे हो मदद की है, साले क्या है यार, तुम्हारा दिमाग में कुछ है कि नहीं? तुम लोग क्या लगता है, जो रोटी तुम लोग ही खा रहे है और सब लोग गोबर खा रहे है, और लोग का दिमाग ही नहीं है, सोच नहीं सकते? पागल हो यार तुम लोग, बिल्कुल पागल हो। और एक बात मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये जो तुम लोग बोलते हो ना, तुम्हारा मीडिया देखा था है, जैसे कि तुम लोग विश्व का शक्तिशाली सर्वमान देश हो, तुम्हारा पास वो सब कुछ हाथ हथियार है और चाइना को टक्कर दे सकते, तो फिर चाइना चाइना बोल के इतना रोते क्यों, इतना डरते क्यों? चाइना कुछ भी करे, किसी के देश के साथ रिलेशन रखे, उससे तुम्हारा सर क्यों दर्द हो रहा है? अगर तुम्हारे पास उससे लड़ने के लिए हिम्मत है, साहस है, तो इतना भोग क्यों रहे हो? जो तुम लोग चाइना चाइना करके रो रहे हो ना, इससे पता चल रहा है कि तुम्हारा असली औकात क्या है, इसलिए ज्यादा भोगो मत, ठीक है ना? और एक बात कान खोल के सुन लो इंडिया वालों, और विशेष करके ये क्रेजी मीडिया वालों, नेपाल ना कभी किसी का गुलाम था, ना कभी किसी का गुलाम बनेगा। नेपाल के लिए चाइना और इंडिया दोनों बराबर है, और हम अपने देश और अपने स्वाभिमान के लिए किसी से भी अकेले लड़ सकते, इतना हमारे पास दम है, क्योंकि हम गोरखा है और स्वाभिमान और साहस हमारा खून में है। इसीलिए कहते हैं कायर हुनु भन्दा मर्नु राम्रो, मतलब डर कर जीने से अच्छा लड़कर मरना। तुम लोग जितना भोगना चाहते हो ना भोग लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुत्तों को भोगने से शेर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और हम वो शेर है।